आईपीएल 2022 का आगाज होने वाला है, सिर्फ दो दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले सीएसके की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की कप्तानी को छोड़ दिया है। लगातार इसके कयास लगाए जा रहे थे कि शायद महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल हो, वो सीएसके के आने वाले सालों में ना खेले और कप्तान भी रविंद्र जडेजा को बनाया जा सकता है, और वही हुआ। मैच से दो दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने ऐलान किया है कि मैंने अपनी कप्तानी रविंद्र जडेजा को दे दी है। आपको याद होगा जब आईपीएल ऑक्शन से पहले रिटेंशन चल रहा था, तब भी रविंद्र जडेजा को महेंद्र सिंह धोनी से ज़्यादा प्राइस में खरीदा गया था। तभी लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि हो सकता है कि जडेजा आने वाले टाइम में सीएसके के कप्तान हो, और वही हुआ। तो अब जडेजा कप्तान बन चुके हैं, लेकिन जो प्रेस रिलीज आई है सीएसके की तरफ से, उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ इसी साल नहीं बल्कि आगे आने वाले सालों में भी सीएसके के लिए खेलते रहेंगे एज अ बैट्समैन एंड विकेटकीपर। तो ये पूरी खबर है, अब इस पर देखते हैं कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा अपनी कप्तानी को आगे लेकर जाते हैं। बस दो दिन बाद मुकाबला है, उससे पहले खबर आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खेल जगत से जुड़ी और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें जनसंदेश टाइम्स का स्पोर्ट्स सेक्टर।